वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल बंद करने के आदेश। कल से सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, जिसके चलते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कल से सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद किए जाएंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, जिसके चलते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। अयोध्या में हाई अलर्ट जारी। अज्ञात युवक ने बम से उड़ाने की दी है धमकी। पूरे अयोध्या शहर को उड़ाने की दी है धमकी। धमकी देने वाला युवक अहमदाबाद का बताया जा रहा है। धमकी के बाद सभी पहलुओं पर पुलिस कर रही है जांच। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अज्ञात युवक ने बम से उड़ाने की दी है धमकी। पूरे अयोध्या शहर को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला युवक अहमदाबाद का बताया जा रहा है। धमकी के बाद सभी पहलुओं पर पुलिस कर रही है जांच। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? क्या कोई संवेदनशील मानी जाती है, जो कि यहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 112 नंबर पे डायल किया गया था अज्ञात युवक के द्वारा, जो कि बताया जा रहा है कि गुजरात का रहने वाला है, अहमदाबाद। और उसके बाद से पुलिस अपनी सक्रियता बढ़ाई है। ब्लैक कमांडो लग चुके हैं। अयोध्या पुलिस जो है पूरी चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। रेलवे स्टेशन को, धर्मशाला को, होटलों को, कई जगह ऐसे ऐसे जगह सेंसिटिव एरिया को चेकिंग प्वाइंट बना करके और चेक किया जा रहा है। जितने भी अयोध्या के मार्ग हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदम बढ़ा दी गई है और टाइट कर दी गई है। और जाने आने जाने वालों के लिए वहाँ पास जो होता है चेक किया जा रहा है, उनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद अयोध्या में एंट्री पॉइंट दी जा रही है। राघवेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो युवक अहमदाबाद का है, तो किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है, क्या उसको पकड़ने के लिए कुछ आगे की कार्रवाई की गई है? देखिए, अयोध्या पुलिस जो है, अयोध्या पुलिस का ये कहना है कि सीधे अभी उसके बारे में जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ये किस जगह का है, गुजरात में जो अहमदाबाद, अभी जो जानकारी मिली है कि वो अहमदाबाद का रहने वाला है, तो जो यहाँ की पुलिस है वहाँ के पुलिस से बात करके उसके बाद पूरी उसके बारे में लोकेशन लेकर के उसको ट्रेस करके गिरफ्तारी उसकी करेगी जल्द से जल्द। और ये पूरा मामला जो है वो 112 नंबर डायल किया गया था। 112 नंबर डायल करने के बाद जिस तरीके, आपको बता दें कि पिछले महीने जो है 46 जगहों पे ब्लास्ट करने की एक धमकी यूपी पुलिस के मिली थी कि रेलवे स्टेशन है, तो उसमें अयोध्या भी शामिल था। तो इसको लेकर के और ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे टाइट कर दी गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सुल्तानपुर में होगी भागीदारी पार्टी की जनसभा। कल पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राज पर करेंगे संबोधन। दिव्या प्रजापति के समर्थन में करेंगे जनसभा। धम्मौर कस्बे में होगी ये जनसभा। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर में होगी भागीदारी की, कल पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राज पर करेंगे इसका संबोधन। दिव्या प्रजापति के समर्थन में करेंगे ये जनसभा। धम्मौर कस्बे में